डांडावरुण के बलवाड़ी रोड के पास नहर के बने हुए कुएं में एक व्यक्ति की लाश तैरते हुए ग्रामीण परशुराम द्वारा देखी गई, जिसकी सूचना बरुड़ थाने पर फोन करके दी गई। बलवाड़ी एवं कोठा खुर्द के बीच में नहर में किसी व्यक्ति की लाश तैर रही है। सूचना पर बरुड़ थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह लोवंशी एवं पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल पर पहुंचे तो लाश नहर के कुएं में तैर रही थी। आम जनता की मदद से लाश को बाहर निकाला गया। लाश की पहचान कपूर चंद पिता पुंगा उम्र 40 वर्ष कोठा कुर्द गांव का होना बताया गया। मौके पर युवक के पिता पुंगा द्वारा भी अपने पुत्र की पहचान की गई। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच कर पंचनामा बनाया गया एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बरुड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। सर, ये लाश मिली युवक की, क्या मामला है सर? आज सुबह 7 बजे 7:15 बजे परशुराम बलाई परशुराम हरिजन बलवाड़ी वाला है, इसने मोबाइल पर सूचना दिया कि बलवाड़ी और कोठा खुर्द के बीच में नहर जो निकली है उसके कुएं में एक व्यक्ति की लाश तैर रही है। इस सूचना पर घटनास्थल तस्दीक करने थाना बरुड़ से मैं एवं स्टाफ को लेकर पहुंचा तो जाकर देखा तो कुएं में एक व्यक्ति की लाश तैर रही थी, जो आम पब्लिक के द्वारा लकड़ी के सहारे उसको रोक रखा था। उसकी से आम पब्लिक द्वारा शिनाख्त की गई, जो कपूरचंद पिता पोंगा बारेला उम्र 40 साल निवासी कोटा खुर्द का था। उसके पिताजी पोंगा भी आ गए थे जिन्होंने उसको पहचाना। मर्ग परशुराम की रिपोर्ट पर मर्ग कायम किया गया और जांच की गई, डेड बॉडी को निकाल कर उसका पंचनामा कार्रवाई की गई और अस्पताल बरुड़ में पीएम के लिए रवाना भेजा गया और पीएम कराया गया। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण सिंह लोवंशी, थाना प्रभारी बरुड़। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।